आज तारीख हो चुकी है 14 अक्टूबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 खबरों के बारे में बताऊंगा, तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी है क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब अगर हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की, तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जर्सी को लेकर। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर अब टीम इंडिया की T20 वर्ल्ड कप की नई जर्सी देख पा रहे होंगे, जहां पर कल BCCI ने ऑफिशियली टीम इंडिया की जर्सी रिवील कर दी है। कुछ इस प्रकार की जर्सी में अब टीम इंडिया वर्ल्ड कप के यहां पर अपने सभी 6 मुकाबले खेलेगी, तो कुल मिलाकर अब T20 वर्ल्ड कप के लिए अब MPL द्वारा डिजाइन करी गई पर टीम इंडिया की जर्सी रिवील या फिर लॉन्च हो चुकी है। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसी है जर्सी लगी है, आखिर 10 में से आप इस जर्सी को कितने नंबर दोगे। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, वह आती है आईपीएल के फाइनल को लेकर। दरअसल कल KKR की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर अब आईपीएल के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। कुल मिलाकर अब कल के दिन यानी 15 अक्टूबर को हमें CSK और यहां पर KKR के बीच अब आईपीएल का फाइनल देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर इससे पहले 2012 के IPL एडिशन में ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी, आखिरी ओवर तक वो मुकाबला गया था। अब 9 साल बाद एक बार फिर से 2021 के एडिशन में अब CSK और KKR की टीमें आमने सामने होगी। काफी इंपॉर्टेंट, काफी कांटे का ये मुकाबला रहेगा। आप कमेंट करके बताइए आपकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग आखिर फाइनल का मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी। IPL 2021 के सीजन की आखिर कौन सी टीम चैंपियन बनेगी। अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की, तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है सूर्य कुमार यादव की तरफ से। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर सूर्य कुमार यादव की इंस्टाग्राम की पोस्ट का स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने बताया कि अब MI की तरफ से इनके लिए 4 काफी इंपॉर्टेंट, 4 काफी बढ़िया IPL के सीजन रहे थे, लेकिन अब फ्यूचर को लेकर इनके पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं। इसी वजह से MI की टीम को अब इन्होंने गुड बाई करते हुए एक पोस्ट डाला। इससे यह संकेत मिलता है कि MI की टीम ने अब सूर्य कुमार यादव को यह संदेश दे दिया कि MI की टीम इनको रिटेन नहीं करेगी, यानी सूर्य कुमार यादव अब मेगा ऑक्शन का भाग होंगे, ये कंफर्म हो चुका है। और यहाँ पर खबर ऐसी भी है कि RCB KKR जैसी टीम में इनको परचेस करने का ट्राई कर रही है, इवन नई IPL टीम तो इनको परचेस करके शायद कप्तान भी नियुक्त कर सकती है। तो कुल मिलाकर वर्ल्ड कप के फॉर्म के बाद अब ये तय हो जाएगा कि मेगा ऑक्शन में सूर्य कुमार यादव कितने करोड़ तक बिकेंगे और कौन सी टीम इनको परचेस करेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर कौन सी टीम को सूर्य कुमार यादव को परचेस करना चाहिए, कितने करोड़ तक आखिर इनको परचेस करना चाहिए। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी कोई भी खबर मिस ना कर पाए। तो अब जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है इंग्लैंड के जो रूट की तरफ से। दरअसल इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट ने यहां पर मेगा ऑक्शन से लगभग 1.5 महीना पहले कंफर्म कर दिया है कि ये मेगा ऑक्शन का भाग होंगे। मेगा ऑक्शन में अब ये नाम सबमिट करेंगे। कुल मिलाकर जो रूट को पता है कि अब 2 IPL टीमों की अब IPL में एंट्री होगी, इसी वजह से अब इन्होंने मेगा ऑक्शन में नाम देने का यहां पर अपनी तरफ से कंफर्मेशन दे दिया है। कुल मिलाकर अब हो सकता है कि 9वीं 10वीं टीम इनको परचेस कर ले, इसके साथ ही 9वीं 10वीं टीम के अब ये कप्तान भी बन जाए, या तो अहमदाबाद की टीम या फिर लखनऊ की टीम अब इनको परचेस कर सकती है या फिर अपना कप्तान नियुक्त कर सकती है। और हो सकता है कि RCB की टीम जो नए कप्तान की तलाश में, वो टीम भी इनको परचेस करके अपना कप्तान नियुक्त कर ले। तो कुल मिलाकर अब जो रूट के पीछे काफी सारी टीम होगी। इसके साथ ही इंग्लैंड के यहाँ पर पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने तो अब RCB की टीम को सलाह दी है कि इंग्लैंड के यहाँ पर जोस बटलर को अब मेगा ऑक्शन में से परचेस करके अपनी टीम का कप्तान नियुक्त कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर माइकल वॉन ने तो RCB की टीम को यहाँ पर मेगा ऑक्शन से पहले अब ये सलाह दी है कि 8-10 करोड़ में यहाँ पर जोस बटलर को परचेस करके उनको अपना कप्तान नियुक्त कर दे। इसके साथ ही अब जरूर भी मेगा ऑक्शन का भाग होंगे और आने वाले दिनों में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अब मेगा ऑक्शन के सभी प्लेयर्स के नाम भी पता चल जाएंगे। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर जो रूट को कौन सी टीम परचेस करेगी, इसके साथ ही RCB की टीम को आखिर कौन से प्लेयर को अपना कप्तान नियुक्त करना चाहिए। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की, तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो थी KKR की तरफ से। दरअसल KKR की टीम के लिए बड़ी खुशखबरी, जहां पर KKR की टीम ने कल दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर अब फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। इसके साथ ही शाकिब अल हसन को लेकर अब इस टीम के लिए बड़ी खुशखबरी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब शाकिब अल हसन को IPL का फाइनल खेलने की अनुमति दे दी है।
कुल मिलाकर अब आईपीएल का फाइनल जो कि यहाँ पर कल के दिन होगा, इस आईपीएल के फाइनल में अब शाकिब अल हसन केकेआर के लिए उपलब्ध होंगे। यहाँ पर खुद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर शाकिब अल हसन को आईपीएल में यहाँ पर फाइनल खेलने की अनुमति दे दी है। और जब से शाकिब अल हसन का यहाँ पर केकेआर की प्लेइंग 11 में यहाँ पर इनकी एंट्री हुई है, तब से केकेआर की टीम ने ऑलमोस्ट सभी मुकाबले जीत लिए हैं। तो कुल मिलाकर शाकिब अल हसन का केकेआर की टीम के लिए अब तक काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग फाइनल मुकाबले में आखिर एक बार फिर से ये बढ़िया प्रदर्शन करके आखिर केकेआर की टीम को आईपीएल का चैंपियन बना पाएंगे या फिर नहीं। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो ये छठी बड़ी खबर निकल कर आती है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में बदलाव को लेकर। दरअसल कल बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में अब यहाँ पर एक बड़ा बदलाव किया, जहां पर अक्षर पटेल को अब 15 मेंबर के स्क्वाड से बाहर करके अब रिजर्व प्लेयर में यहाँ पर बीसीसीआई ने शामिल कर लिया। इसके साथ ही शार्दुल ठाकुर को अब रिजर्व प्लेयर से यहाँ पर 15 मेंबर्स के स्क्वाड में अब इंक्लूड कर लिया गया। कुल मिलाकर शार्दुल ठाकुर की अब वर्ल्ड कप के स्क्वाड में एंट्री हो चुकी। इसके साथ ही यहाँ पर 8 से 10 प्लेयर्स को अब नेट बॉलर के तौर पर और इसके साथ ही रिजर्व प्लेयर के तौर पर अब वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह मिल चुकी। आप अपनी स्क्रीन पर उन सबके नाम और तस्वीरें देख पा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर कल वर्ल्ड कप के स्क्वाड में अब ये बड़े बदलाव हुए। हालांकि अभी तक भी युजवेंद्र चहल को यहाँ पर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह नहीं मिली है। वर्ल्ड कप की टीम में यहाँ पर युजवेंद्र चहल को चुना नहीं गया। इसके साथ ही अब 15 अक्टूबर के बाद अब यहाँ पर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में कोई भी बदलाव नहीं होगा। हो सकता है कि कल के दिन तक अब वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शायद एक आधा बदलाव हो जाए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आखिर और कौन कौन से बदलाव होने चाहिए। अब बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है गौतम गंभीर की तरफ से। दरअसल गौतम गंभीर ने यहाँ पर आरसीबी की टीम को रिकमेंड किया कि मेगा ऑक्शन में केवल विराट कोहली को, इसके साथ ही ग्लेन मैक्सवेल को, युजवेंद्र चहल को रिटेन किया जाए। इनके अलावा बाकी प्लेयर्स को अब रिलीज कर दिया जाए। जहाँ पर गौतम गंभीर का ये मानना है कि एबी डिविलियर्स को ये टीम मेगा ऑक्शन से दोबारा से कम प्राइस में परचेस कर सकती है और एबी डिविलियर्स ज्यादा से ज्यादा केवल एक साल इस टीम के लिए कंटिन्यू रहेंगे। इसी वजह से गौतम गंभीर का मानना है कि मेगा ऑक्शन में अब यहाँ पर आरसीबी की टीम यहाँ पर एबी डिविलियर्स को रिटेन ना करें और केवल इन्हीं तीन प्लेयर्स को रिटेन करें। आप कमेंट करके बताइए आप यहाँ पर गंभीर की बात से आखिर सहमति रखते हो या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है नई आईपीएल टीमों को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने बता दिया कि 25 अक्टूबर को हमें नई आईपीएल टीमों के नाम देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर अब आने वाले 10 दिन बाद हमें नई टीमों के नाम, इसके साथ ही कप्तान और प्लेयर्स का भी यहाँ पर पता चल जाएगा। लेकिन अब बीसीसीआई ने यहाँ पर नई टीमों के टेंडर को लेकर अब जो बीसीसीआई ने डेट 15 अक्टूबर रखी थी उस डेट को एक्सटेंड करके अब 20 अक्टूबर रख दिया। कुल मिलाकर बीसीसीआई ने यहाँ पर अब भी विंडो ओपन कर रखे। जो यहाँ पर व्यक्ति अब भी टीम परचेस करना चाहते हैं वो अब भी अपना नाम सबमिट कर सकते हैं। कुल मिलाकर अब तक 15 व्यक्तियों ने यहाँ पर 11 लाख की यहाँ पर फीस जमा करके आईपीएल की टीम परचेस करने के लिए अपना फॉर्म फिल किया है। और अब यहाँ पर उन लोगों के पास 5 दिन का और मौका है कि और कोई भी लोग आकर अब अपनी टीम परचेस करने के लिए या फिर 9वीं 10वीं टीम परचेस करने के लिए अब फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 2 और दिनों के लिए या फिर 5 और दिनों के लिए विंडो ओपन कर दी गई है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर 25 अक्टूबर को अब जो अहमदाबाद लखनऊ की टीम की शायद अनाउंसमेंट होगी, इन टीमों के आखिर कौन से प्लेयर को कप्तान नियुक्त करना चाहिए आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।